हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बता देती हूँ, आज मैं ना ही कुछ आर्ट करने वाली हूँ, ना ही कुछ स्केच करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने आर्ट स्टार्ट की है लाइक 10 ईयर्स हो गए। तो इन 10 ईयर्स में मैंने क्या क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या इम्प्रूवमेंट्स हुआ, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और स्केच के बारे में कुछ टिप्स देने वाली हूँ, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट तक वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दे, फ्री है यार, कर दो, क्या प्रॉब्लम है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप लोगों ने अगर मेरे लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वो ज़रूर 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 देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे जो लास्ट वीडियो है वो अगर देख लोगे आप, और मेरे जो चैनल में फर्स्ट जो स्केचेस अपलोड किए हैं वो अगर देख लोगे ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो देख लीजिए पहले, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन टिप्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप अपने स्केचेस को किसी के साथ कंपेयर मत करो। डोंट कंपेयर योर स्केचेस टू अनदर वन, क्योंकि सबकी ना अलग अलग जो ना स्टाइल होती है अपनी रियलिस्टिक स्केचेस करने का। कोई रियलिस्टिक करता है, कोई अपने ही तरीके से करता है। जो भी आप करते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी और के स्टाइल को कॉपी करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा ना, आपकी खुद का क्या रहेगा। तो यही कहना है, अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बड़े जो आर्टिस्ट है, बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों को देख के मत सीखो। मैं कह रही हूँ कि सीखो, जहाँ से आपको सीखने को मिलता है सीख लो, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। तो आप सीख लो जहाँ से भी हो सकता है, पर किसी और के स्टाइल को कॉपी मत करो। सीख के अपने ही आप में कुछ टिप्स अपने ही तरीके से करने की कोशिश करो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप खुद की स्टाइल से अगर करोगे। तो यही था मेरा पहला टिप्स। नंबर टू ये है, आप जब स्केचेस को स्टार्ट करते हो, स्केच करना स्टार्ट करते हो, उससे पहले आप देख लो जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसकी आउटलाइन प्रॉपर है या नहीं। वो आउटलाइन प्रॉपर होना बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोच के वही छोड़ दोगे, कुछ गलती हो जाए तो वही छोड़ दोगे कि स्केचेस के बाद ये, स्केच करने के बाद ये एकदम सही हो जाएगा, तो ऐसे मत छोड़ो। क्योंकि स्केचेस के बाद भी हम देखते हैं कि उसमें गलती रह ही जाती है। तो वही है, आप स्केच करने से पहले आउटलाइन को प्रॉपरली ड्रॉ कर लो। टिप्स नंबर थ्री ये है कि आप अपने स्केच में लाइट एंड शेड करने से पहले उसकी जो बेस है वो पहले ठीक से ब्लेंड ज़रूर कर लें। एक बार HB या फिर 2B पेंसिल से आप उसकी जो पूरा बेस है वो पहले प्रॉपरली कर लीजिए, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर दीजिए, तो उसमें स्मूथ जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा आएगा। तो गाइस, नंबर फोर टिप्स ये है, आप जब स्केच स्टार्ट करते हैं तभी डायरेक्टली 8B या 10B पेंसिल यूज़ मत कीजिए। पहले 4B या 2B पेंसिल के ऊपर, मतलब कि लेयर के ऊपर लेयर दीजिए, उसके बाद ब्लेंड कीजिए, फिर लेयर दीजिए। इसके बाद आप ठीक से देख कर जो डेप्थ एरियाज है वहाँ पे डार्क शेडिंग कीजिए 8 या 10B पेंसिल से। और हाँ, शेडिंग हो जाने के बाद आपको ये बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है, कहीं पे एकदम लाइन नहीं दिखना चाहिए, एक लाइन नहीं दिखना चाहिए। ये ब्लेंडिंग अच्छे से होना चाहिए, फिनिशिंग अच्छे से होना चाहिए। और हाँ, जब आप हाईलाइट करते हो वही जगह को, जब आप इरेज करते हो वहाँ ना इरेज एक लाइन बन जाती है, वो लाइन नहीं बनना चाहिए। वहाँ भी ब्रश से हो या फिर कुछ भी, जो भी आप ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ कर रहे हो उससे हल्का सा ब्लेंड कर देना, तो कि क्योंकि वहाँ पे एक इरेज लाइन नहीं दिखना चाहिए, एकदम स्मूथ फिनिश आ जाएगा। सो गाइज, मेरी लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, लाइट एंड शेड की प्रैक्टिस करनी है, स्टिल लाइफ करनी है, जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें लाइट एंड शेड, कहाँ लाइट है कहाँ शेड है, कहाँ से लाइट आ रहा है कहाँ से शेड आ रहा है, ये सब कुछ आपको प्रॉपरली देख के करना है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे और मैं जो कुछ भी टिप्स दे पाई मेरी तरफ से तो ये सब कुछ आप लोगों को हेल्प कर सके। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टेक केयर गाइज़।